हाइट आ रहा है, तो सर ही आ रहा पड़ा तो टाइटल तो मेरे ख्याल से आपने चूज किया है। लेकिन ये शब्द इतना अच्छा है ना कि कोई भी इसको अच्छे से सुन सकता है, गाने को एंजॉय कर सकता है। रही बात कंपोजिशन की, तो 2000 से 2015 का ऐसा दौर चला है कि गाने सिर्फ शब्दों पे आते थे, कंपोजिशन नहीं होती थी उसमें। रैप और ये वो सब चल रहा है, सो लोग अभी धीरे धीरे उस चीज से उब रहे हैं और वापस वो मेलोडियस जोन में जो 70-60 का दौर था उसमें आ रहे हैं। अभी के गाने देखेंगे आपको बहुत मेलोडियस गाने आ रहे हैं, कंपोजिशन बहुत अच्छा आ रहे हैं, राग बेस्ड कंपोजिशन भी आ रहे हैं। तो इस हिसाब से ये मेलोडियस कंपोजिशन ये लंबे समय तक चलने वाला कंपोजिशन है और हिसाब से हमने इसको कंपोज किया। कितना वक्त लगा आपको इस गाने को बनाने के लिए, किस तरह का अनुभव रहा और क्या उम्मीदें हैं? बहुत बहुत लंबे समय से इसे आपने अपनी बैंक में बहुत ही संभाल के रखा था, तो क्यों इनको दिया, क्या कारण है और इसके बाद इसका जो आप भविष्य देखते हैं इस गाने का, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए ऐसे कंपोजिशन होते हैं ना वो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होता है। आपके पास गाने होते हैं ना वो शायद मेरे ख्याल से दो चार महीने गाने बजते हैं, डांस जहाँ पर होता है वहाँ बजते हैं, सीजन जैसे चेंज होता है वो गाना दब जाता है। लेकिन ये ऐसे मेलोडियस गाने आज भी हम लोग 76 के गाने क्यों सुन रहे हैं, बिकॉज देयर वाज अ मेलोडी। उस गानों में मेलोडी थी, उस गानों में राग थे, उस गानों में एक अच्छी कंपोजिशन थी। तो ऐसे गाने जो होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं, सालों साल तक लोग सुनते हैं। और पहले भी बताया मैंने कि काफ़ी सारे लोगों ने इस गाने को मांगा है मेरे पास, लेकिन पता नहीं मुझे कहाँ क्लिक हुआ। जैसे बताया इन्होंने कि गाने गाने पे लिखा है प्रोड्यूसर गाना तो ये गाना इनके साथ ही क्लिक हुआ कि यहाँ इस गाने को ही पहले करेंगे, क्योंकि ये गाना ऐसा है ना कि शायद इस गाने से एक कंपनी को भी बूस्ट मिल सकता है और इस कंपनी में जो भी काम करते हैं इस गाने से जो भी जुड़े हैं उनको भी शायद एक अलग नया बूस्ट मिल सकता है। अनुराग जी आपसे सवाल है, आप खुद एक बहुत ही टैलेंटेड बंदे नजर आ रहे हैं हमको, बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं आप, आपकी कंपनी भी है, आप चाहते तो खुद इस गाने को गा सकते थे, इतना मेलोडी सॉन्ग है, क्या कारण था आपने यासिफ जी को चुना? सर एक चीज होती है कि अगर हर बंदा हर चीज कर रहा है तो फिर बाकी क्या करेंगे, एंड ये एक चीज है। दूसरा ये था कि मैंने जैसे बताया कि मैं यासिफ भाई का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, एक गाना आपको सुन के पहले नज़र में उसका टेक्सचर पता चल जाता है कि ये गाना एग्जैक्टली कौन गाएगा या किसके लिए बना है। तो जब मैंने ये शिवराम सर से पहली बार गाना सुना तो मैंने पूरा गाना भी नहीं सुना, मैंने आधे गाने में आई मेक माई माइंड कि ये गाएंगे तो यासिर देसाई गाएंगे। तो इस तरीके से हमने फिर डिस्कशन किया एंड हमने थोड़ा सा स्क्रैच गवाया भी, तो द सॉन्ग वॉज एप्ट फॉर हिम। मैं अगर गा देता तो हो सकता है उतना बूस्ट ना मिल पाता जितना यासिर भाई के गाने पर मिल सकता है। तो चलने के लिए पहले किसी की उंगली पकड़नी पड़ती है। एमबीए ने जो इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, इसका भविष्य किस तरह से देखते हैं आप और इससे लोग क्यों और कैसे जुड़ेंगे? टू काइंडली करेक्ट यू, इट्स एमएफए, एमएफए एज अ म्यूजिक फॉर ऑल रिकॉर्ड, एमएफए चैनल का नाम है। एमएफए का अगेन एज आई टोल्ड, एमएफए का सिर्फ मोटिव आपका टैलेंट डाल नहीं देना है प्लेटफॉर्म पे, हम आर्टिस्ट को ओवरऑल 360 डिग्री, ही इज माय बिजनेस हेड। तो हम दोनों जब प्लेटफॉर्म बना रहे थे तो हमने यही आई गेस मोटिव हमने ये रखा था कि हम आर्टिस्ट को 360 डिग्री डेवलप करेंगे, राइट 360 डिग्री डेवलप करेंगे, विच मींस कि आपके ऑडियो से लेकर आपके विजुअल तक आपके गाने तक हम आपको हर चीज़ का प्रॉपर प्रोफेशनल से सजेशंस दिलवाएंगे, आपके गाने को एक बहुत यू नो 10x10 का प्रोडक्ट बनाएंगे, देन आपके गाने को हम लोग पुश फॉरवर्ड करेंगे इन टू द मार्केट। तो उससे क्या होगा, आर्टिस्ट को एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल फैक्टर मिलता है, क्योंकि लेबल पे सिर्फ गाना दे देने से आई डोंट थिंक कि कुछ होता है एज फार एज आई बिलीव। तो यह हमारा मोटिव ये है कि सिर्फ पुट अक्रॉस ना करके 360 डिग्री एक ओवरऑल एक टैलेंटेड आर्टिस्ट को बूस्ट करना मार्केट में। मनमित आपसे सवाल है, आप वैसे बहुत खूबसूरत है गाने में और भी सुंदर लगी है, ये जो रोल एक तरह का गाना एक पूरी कहानी बता रहा है, जहाँ पर आप धोखा देकर चले जाती हैं, फिर लोग आपको याद करेंगे, इस बारे में आपकी क्या रिएक्शन है? सर पता नहीं, एक गाना मैंने पहले भी किया था उसमें भी मैं धोखा दे रही हूँ, मतलब भोली सी सूरत है फिर भी लोग पता नहीं मुझे ऐसा क्यों सोचते कि मैं धोखा देने वाली लड़की हूँ। ओके सो बेसिकली इसमें लेकिन मैं धोखा नहीं देती हूँ, वो थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने देखा होगा कि मुझे फोन आता है, सारी लड़कियां यही बोलती है मैं गलत नहीं थी, वो फैमिली गलती लड़कों की होती है।
जतिन आपका अनुभव कैसा रहा शूटिंग के दौरान, खासकर मनमोहन जी के साथ काम करने के? आई थिंक बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, मैं इनसे पहले कभी मिला नहीं था, फर्स्ट टाइम हम सेट पे मिले, इनका काम मैंने पहले देखा है एंड जब इनके साथ काम किया, एक अच्छा एक्टर जो होता है सामने से आपको वो हेल्प करता है जिसकी वजह से आपका सीन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी निकलती है एंड सो पता लग जाता है, शी इज अमेजिंग एक्ट्रेस। मयूर आप कुछ पूछना चाहेंगे? सबसे पहले कंपोजर साहब के लिए, ऑब्वियसली आपने जैसे बताया गाने की जो बोल है जाहिर है, जो युवा फिल्म का गाना है उससे बोलते उसकी याद दिलाता है, मुझे एक मीठा गाना था जो मानुषी ने बहुत अच्छी तरह गाया था, यहाँ पे ऑब्वियसली जो शब्द है वो या फिर गीता की आवाज़ में एक अनोखा अंदाज सुनने को मिल रहा है उनकी आवाज़, और ऑब्वियसली आपने इस गाने की जर्नी भी बताई कि कैसे ये पहले अनिल शर्मा गदर टू के लिए था, सबसे पहले तो दाद देनी पड़ेगी आप लोगों की, आपने अनिल शर्मा और अनिल देवल के 2.5 किलो के हाथ से ये गाना लिया। चलो मेरा सवाल ये है कि इसे 2015 से ये गाना बना हुआ है और आपको क्या लगता है कि क्या अगर ये गाना फिल्म में जाता तो शायद जिस तरह आप चाहते थे क्या उस तरह से ये फिल्म में निकल के आता था या नहीं? डेफिनेटली आता, अगर किसी भी फिल्म में जाता ये गाना तो अच्छे से निकल जाता वो, लेकिन अभी भी बता रहा हूँ कि शायद कई कंटेंट ऐसे होते हैं अच्छे जो जब तक आप उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो लास्ट तक, तब तक आपको पता नहीं चलता कि ये मार्केट में आएगा कि नहीं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं, मेरी काफ़ी सारी फिल्में आई हैं ऐसी जिसमें मैंने काफ़ी गाने बना के दिए हैं लेकिन वो फिल्में आज तक नहीं आई, वो कंटेंट फिर दब जाता है, अच्छी चीज़ें रह जाती है, राइट। तो अगर ऐसा कोई, अगर मेरे पास बंदा आता है या कोई ऐसा प्रोड्यूसर आता है कि सर इसको हम साथ में काम करके आगे लेके जाएंगे तो डेफिनेटली आई विल वर्क विद देम, राइट। और अनुराग में मुझे वही चीज़ लगी कि ये सही में गाने को आके लेके जाए। दूसरी क्या बात है, कंपटीशन इतनी सारी है आज म्यूज़िक को लेकर, आप देखते हैं रोज़ यूट्यूब पे कम से कम 2 से 2500 गाने आते हैं, आपका गाना कहाँ है आपको पता ही नहीं है, इतना कंटेंट आता है मार्केट में, तो आपका गाना कहाँ प्रॉपर मार्केटिंग होगा इस गाने का, प्रॉपर सिंगर से गवाएंगे, प्रॉपर इसका म्यूजिक अरेंजमेंट्स होगा, इसका प्रॉपर मिक्सिंग होगा, इसका प्रॉपर वीडियो बनेगा, ये जब तक आपको नहीं लगता तब तक मैं गाना देता नहीं हूँ किसी को, और वजह यही है कि अच्छी चीज़ दब जाती है अगेन। तो मुझे लगा अनुराग की बातों से जब हम पहली बार मिले कि सर हम गाना करना चाहते हैं तो हमने यही डिस्कशन किया भाई किस लेवल पे हम लोग लेके जाएंगे गाने को, क्योंकि अगर वो लेवल पे गाना नहीं गया तो गाना वापस वहीं के वहीं रह जाएगा, सो उस हिसाब से हमने प्लान करके साथ में ये गाना इस गाने को आगे लेके आए हम लोग। अमित जी आपके करियर में जो अभी तक जैसे आपका इंट्रोडक्शन किया जाता है डिंपल्स एब्सोल्युटली सर, उसमें तो डिम्पल्स फ्रेंड थी ना यहाँ पे, आई मीन द मेन, सो या उसकी एक अलग खूबसूरती है क्योंकि वो एक फिल्म है और ये गाना है, गाना मतलब लोग आई थिंक ये गाना गाएंगे तो उनको मैं याद आऊँगी, वो मेरा वीडियो, सो या पहचान तो बनेगी। पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे सॉरी हु, अगर ये आपके दोस्त एंकर जो आपको हॉट केक कहते हैं तो आप इन्हें क्या कहते हैं, चेरी ऑन द टॉप? नहीं भाई ये पता नहीं कहाँ से आज इनके मुंह से शब्द निकल गया भाई, ऐसे ऐसे शब्द मारे पहली बार ये शब्द निकले, आप दोनों एक दूसरे को कुछ नाम नेम नहीं देते। नहीं आई थिंक आपके करियर में जो भी काम आपको आता है उसकी हर चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत रहती है, वैल्यू रहती है, हर एक स्टेप की एक अहमियत होती है, तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। मैं हर काम को ईमानदारी से करता हूँ, जो भी आता है सामने, जो भी अच्छा लगता है दिल को, एंड उसकी फर्स्ट आई हैव टू लाइक इट, आई हैव टू लव इट, अगर मुझे पसंद आ रहा है मैं कर रहा हूँ और डेफिनेटली वो चीज़ आपको आगे लेके जाती है। एक आखिरी सवाल आप दोनों से, आप दोनों युवा हैं, जैसे कंपोजर साहब ने कहा कि इस दौर में तरह तरह के म्यूजिक सुनने मिलते हैं, खासकर अगर हिंदी सिनेमा में देख इन द प्राइवेट स्पेस तो कई बार उसमें शायद थोड़ा लाउड म्यूजिक रैप वैप जिसका अपना एक स्वाद है, लेकिन वो कितना उस जॉनर के रूट से कनेक्ट करता है आई थिंक उस पर हमेशा डिबेट हो सकता है, बट एज यूथ आप कैसे देखते हैं जो म्यूजिक रहा है पिछले 5-7 साल में? क्योंकि अक्सर कहते हैं कि एक हिंदी सिनेमा का जो डिक्लाइन हुआ है, वन ऑफ द रीजन इज दैट कि गुड म्यूजिक आता नहीं है, तो बट यू गाइस बीइंग यूथ आप कैसे देखते हैं?
डेफिनेटली अगर आप देखेंगे जो पुराने ज़माने के सॉन्ग्स थे, लाइक जो हमारे किशोर कुमार साहब के टाइम के या यू नो उनकी तरह और भी थे, उनका मुकाबला आज कब कोई म्यूज़िक नहीं कर सकता, ना कभी हो सकता है। वो समझो वो चीज़ उस टाइम भी ज़िंदा थी, आज भी ज़िंदा है, आगे भी ज़िंदा रहेगी। लेकिन जो आजकल म्यूज़िक आ रहा है, ठीक है वो थोड़ा टाइम पास के लिए ठीक है, थोड़ा सुन लेते हैं, लेकिन वो आपको इमोशनली मूव नहीं करता, यू नो मोटिवेट नहीं करता, इंस्पायर नहीं करता। सो ठीक है, आज की यूथ थोड़ा बहुत लाइक कर रही है उसको, बट डेफिनेटली उन सॉन्ग्स की वैल्यू अलग ही है। सर, आई एम अ पंजाबी, मुझे पंजाबी गाने जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, मुझे बेहद ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर एक टाइम होता है शाम के बाद ना, आपका थोड़ा आराम वाला मूड होता है, जब आप वैसे गाने नहीं सुनना चाहते हो, आप सुनना चाहते हो इस तरह के गाने। और अगर मुझसे कभी कोई ये पूछेंगे कि आपका फेवरेट गाना क्या है, तो मैं कोई वैसे गाने को नहीं बोलूँगी दिस इज़ माई फेवरेट सॉन्ग। एक वैसा गाना रहेगा, सॉफ्ट सूदिंग सा गाना, जो आपको हमेशा याद रहेगा। और आई थिंक फेवरेट गानों में हम वही सारे गाने बोलते हैं, तो शायद ये नीम नीम इज़ वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जो लोगों का फेवरेट गाना हो सकता है। मैं ऑनेस्टली आई केड यू नॉट मैं अभी रेडी भी हो रही थी, आई वॉज लिसनिंग टू नीम नीम। मैं रास्ते भर में नीम नीम सुनते हुए आई हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस सॉन्ग आई थिंक कुछ इस तरह इज माई फेवरेट। अभी अगेन पुराने गानों की ही बात करूँगी मैं, आजकल के गाने मैं भूल गई, लिरिक्स भी नहीं पता, कुछ नहीं मालूम मुझे। मैं हाँ पंजाबी गाने बहुत ऑफ कोर्स, बट देन वो पार्टी वाला कीप इट असाइड, नॉट द फेवरेट। बट अगेन और मेरा है मैं तेनू समझावा की राहत फतेह अली खान जी का, तो मैं उस तरीके के गाने सुनती हूँ। ये पंजाबी गानों के भी लिरिक्स इजी है, गुची, अरमानी, रिवॉल्वर, मैं तेनू समझावा गाड़ी, इजी है यार, इजी है। मैं वही चीज कही है कि आई नो बट फेवरेट नहीं बोल सकते, पर मैं तेनू समझावा की इज लाइक इट्स अ पंजाबी सॉन्ग आल्सो। यस यस यस, पंजाबी भी है, सॉफ्ट भी। सी आई एम ए बिग फैन ऑफ अरिजीत सिंह साहब, एंड उनका तो बस उनके सारे सॉन्ग सुनता रहता हूँ, लूप पे वही चलता रहता है, कार में हूँ, कहीं हूँ, ऑफिस हूँ, काम कर रहा हूँ, बस। जतिन सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यारिया वन से आपकी इमेज रही वो चॉकलेट बॉय रही, यहाँ पे भी आपको हॉट केक आ गया, लेकिन इस गाने के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन थी? हम जानना चाहेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस गाने की मेरी कोई प्रिपरेशन थी नहीं, बिकॉज आई वॉज लाइक मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैं डायरेक्टली सेट पे गया जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सॉन्ग सुना था, बिकॉज आई वॉज बिजी यू नो वन ऑफ द शूट, तो वहीं सुना और वहीं जो डायरेक्टर साहब की जो गाइडेंस थी उसके हिसाब से शूट की। सो आप लोगों को अच्छा लगा ना? बस ठीक। सी आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ यारियन टू, बट डेफिनेटली इट इज़ गोना बी वेरी बिग हिट, नॉट बिकॉज यारियन वन हिट थी इसलिए यारियन टू हिट होगी। सी आई वर्क विद दिस टैलेंटेड डायरेक्टर दिव्या खोसला मैम, हु वॉज अ पार्ट ऑफ यारियन वन एंड हु इज़ अ पार्ट ऑफ यारियन टू एज वेल। शी इज़ वेरी डेडिकेटेड, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी यू नो पैशनेट अबाउट द क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उनकी डेडिकेशन है उस वजह से मैं बोलूँगा कि यारिया टू पे हिट रहेगी। और आप देखें यारिया वन से लेकर अब तक जितने भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं सारे कमर्शियली सक्सेसफुल रहे हैं, द रीज़न इज़ हर डेडिकेशन, एंड सो दिस इज़ गोना बी हिट, एंड सॉन्ग्स तो ऑलरेडी हिट जा रहे हैं। अनुराग जी, एक सवाल मेरा आपसे है, आज कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का माहौल है, जो सेलिब्रेशन के स्टार हैं यासिर साहब वो नज़र नहीं आ रहे, आप उनको कितना मिस करते हैं? मैंने सबसे पहले जब मैं एंटर हुआ था सब मैंने यही बोला कि शिवराम सर को कि सर यासिर भाई इज़ नॉट एबल टू मेक इट, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली सैड फील करेंगे, क्योंकि आई हैव बीन अ फैन ऑफ यासिर भाई सिंस वेरी लॉन्ग, बट उनका आज इस इवेंट में ना होना ऑब्वियसली डेफिनेटली हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा खल रहा है, क्योंकि गाना उनका है और ड्यू टू सम अर्जेंसीज ही इज़ नॉट एबल टू मेक इट टूडे, बट या हम लोग बहुत उनको मिस कर रहे हैं। Thank you so much. Thank you so much.